का दूसरा विवाह जाम भवती से हुआ, जाम बंत जी से युद्ध हुआ, संतुष्ट किया। फिर तीसरा जाम भवती से दूसरा, तीसरा विवाह सत्यभामा मैया से, चौथा यमुना महारानी से, यमुना मैया भगवान की पत्नी है चौथी। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा से, छठवा सत्या से, सातवा भद्रा, आठवा लक्ष्मणा और भौमासुर नाम का एक दैत्य जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि आप हमारी हेल्प करो। भगवान ने जाकर भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, मारा और कन्याओं से कहा देवियों अब आप आजाद हो, अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा अब हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा, लोग कहेंगे कि तुम पराए पुरुष के पास रहकर आई हो, हमारे को चरित्र गलत भाव से देखेंगे कि तुम चरित्रवान हो या नहीं हो। पराई स्त्री किसी पराए मर्द के पास रहकर आए तो समाज उसे गलत नजरों से ना देखता है। तो राजा भौमासुर ने नारियों का हरण कर लिया, स्त्रियों का, लड़कियों का, और बाद में भगवान ने छोड़ा या कहा जाओ। अब कन्याएं बोली कहां जाएं, हमें स्वीकार आप करो। तब भगवान ने उन सबके कहने पर, आग्रह पर भगवान ने विवाह कर लिया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। अच्छा, भगवान ने इतने विवाह किए तो सही किया कि गलत किया? अरे भाई, भगवान के सामने मजबूरी थी, कोई भगवान का इतना विवाह करने का मन नहीं था, वो तो इमरजेंसी था। गोपियां बोली या तो हम मर जाएंगी, अब हमें समाज में स्वीकार कौन करेगा, बताओ। जो महिला दूसरे पुरुष के पास रहकर आई हो उससे आप शादी कर लोगे? आप ही आनाकानी करोगे? तो भौमासुर ने कन्याओं का हरण किया और सालों तक अपने बंदी गृह में रखा, बंदी बनाकर। अब उन कन्याओं से कौन शादी करता उस जमाने में? आज तो चलो फिर भी शायद लड़कियों की कमी है तो लोग कर भी लें, उस जमाने में तो मुश्किल था। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करती उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और समाज में पत्नी का अधिकार दे करके समाज में जीने का सम्मान से अधिकार दिलाया। तो भगवान ने सेवा की, 16,108 विवाह हुए और ये वेद की ऋचाएं, 16,108 मतलब 16,000 वेद की ऋचाएं भगवान की पत्नी बनकर आई। जो त्रेता के संत थे वो सब इस जन्म में कहीं पत्नी बनकर कहीं गोपी बनकर आए, भगवान ने सबको स्वीकार किया। कल हमने रास का जो मतलब समझाया था कि इस जन्म में भगवान ने सबको स्वीकार किया और टोटल विवाह 16,108, प्रत्येक रानी से 10 बेटा एक बेटी। भगवान के इतना बड़ा परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। फिर अनिरुद्ध भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, समरासुर को मारा, फिर रति से विवाह करके आए, प्रद्युम्न पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध भगवान के पोते हैं। तो अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा ने कराया, चित्रलेखा के माध्यम से फिर बाणासुर का, बाणासुर पर भगवान ने कृपा की, राजा अनरग पर कृपा। एक राजा थे अनरग जिन्होंने गऊ दान किया, गाय खूब दान करते। एक बार गाय दी और वो पंडित जी के पास गई, पंडित जी के खूंटे से आ गई और उसी गाय को नरग ने दूसरे पंडित जी को दी। दोनों ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा हुआ, ये मेरी, राजा न्याय ना कर पाए, गिरगिट बनना पड़ा, पर गऊ दान करने के कारण उन्हें भगवान का दर्शन हुआ और उनका कल्याण हुआ। जो गऊ दान करता है वो निश्चित परम गति को प्राप्त करता है।